नई रेसिपीज और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो एवरीवन, दिस इज़ बबीता। वेलकम बैक टू माय चैनल तड़का विद ट्विंस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ साउथ इंडिया का एक ऐसा स्नैक्स जिसे इंडिया में तो खाना लोग पसंद करते ही हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड इसे लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को क्रिस्पी बनाना चिप्स यानी कि केले के चिप्स की रेसिपी बताऊँगी और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जिस तरह से मैंने बताया है बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आपका भी केले के चिप्स बहुत ही क्रिस्पी और परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर केला के चिप्स बनाने के लिए यहाँ पर 4 केले लिए हैं और मैंने बोला था ना कि आप लोग को टिप्स बताऊँगी। तो टिप्स ये है कि अगर आप केले के चिप्स बना रहे हैं तो एक संग सारे केले को ना छीलें, एक एक करके केले को छीलें। अगर आप एक संग सबको छील लेते हैं तो केला काला पड़ जाता है, इसलिए हमें एक एक करके ही छीलना है। और छीलने से पहले हमें हाथ में तेल लगा लेना है ताकि हमारे हाथ काले ना पड़ जाए, क्योंकि केला छीलते समय जो केले से पानी निकलता है उससे हाथ काले पड़ जाते हैं, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। वैसे तो केले के चिप्स बनाने के लिए कई तरह के केले आते हैं और जो सबसे परफेक्ट होता है वो केला जिसका मुंह नीचे से पतला होता है। मुझे वो केला नहीं मिला इसलिए मैंने इस केले का बनाया है और इससे भी बहुत परफेक्ट और अच्छा केला का चिप्स बन करके तैयार हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने केले को छीलने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया है क्योंकि केले का छिलका मोटा होता है और चाकू से आराम से निकल जाता है, लेकिन जब ये छिलका हम उतार लेंगे तो उसके बाद हम इसे पीलर से इसका जितना भी ग्रीन वाला पार्ट होगा उसे भी अच्छे से हम निकाल के बिल्कुल क्लीन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमें बिल्कुल क्लीन कर लेना है ताकि हमारा जब केले का चिप्स फ्राई करें तो बिल्कुल क्लीन बन करके तैयार हो। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर दो तरह से कटिंग करना बताया है। इसे मैं फ्राई करने से पहले प्लेट में काट करके निकाल ले रही हूँ ताकि आसानी से हम एक एक करके इसे फ्राई कर ले। और दूसरी कटिंग तेल में ही मैं डायरेक्ट करूँगी, तो उसे देखने के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखें। इस तरह से हमें पतला काटना है, आप चाहे तो मोटा भी काट सकते हैं। केले को हमने छील करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे बनाने के लिए एक सलूशन तैयार करेंगे। इसे बहुत ध्यान से आप देखें। यहाँ हमने 1 टीस्पून हल्दी ले लिया है और 1 टीस्पून नमक ले लिया है और 4 टेबलस्पून हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से हम घोल करके लिक्विड तैयार कर लेंगे। इस सलूशन को चिप्स को छानने से पहले तैयार करके रख लेना है। इस सलूशन को कहाँ यूज़ करना है ये आगे के वीडियो में देखिएगा और इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, कुछ भी इसका स्किप ना करें। यहाँ हमने तेल को गर्म कर लिया है। वैसे तो केले के चिप्स कोकोनट ऑयल में ही ज़्यादातर बनता है, लेकिन मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है और आप तेल को इस तरह से चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप एक केले के चिप्स डाल करके भी चेक कर सकते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो गया है और हम एक एक करके केले के चिप्स को डालेंगे। एक एक करके डालने से चिपकता नहीं है और बहुत अच्छे से तैयार होता है फ्राई होकर के। तो फ्रेंड, इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से उलट पलट के फ्राई करेंगे और जब 1 से 2 मिनट हो जाए तो आगे का प्रोसेस हम करेंगे। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गया है और मैंने बोला था ना कि आगे मैं बताऊंगी। तो जो मैंने हल्दी और नमक घोल के रखा था उसे मैं यहाँ 2 चम्मच डालूंगी,
इसे डालने के बाद थोड़ा सा सावधानी बरतना है, थोड़ा दूरी बना के रखना है इससे, और अचानक से तेल में बुलबुला आता है तो उससे घबराना नहीं है। बहुत आसानी से इसे धीरे धीरे चलाते हुए इसे फ्राई करना है। फ्रेंड, इसे इसलिए डालते हैं कि ये तेल के टेम्परेचर को बैलेंस करता है और इसी से हमारा बनाना चिप्स क्रिस्पी बनता है। तो ये कुछ देर तक तेल में गड़गड़ाहट रहेगा और जब ये धीरे धीरे शांत हो जाए तो समझ लीजिए कि हमारा बनाना चिप्स बन करके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, मैंने जो आप लोगों को सलूशन बताया था बनाने के लिए, तो जितना मैंने माप बताया था बिल्कुल उतना ही आप लोग बनाइएगा, और उससे ना ज़्यादा ना कम करिएगा, और जितना मैंने इसमें डालने के लिए बताया है उतना ही डालिएगा। क्योंकि फ्रेंड, अगर इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो तेल बाहर उड़ने का ज़्यादा चांसेस हो जाएगा और इससे आपको नुकसान भी पहुँच सकता है। यहाँ 7 से 8 मिनट हो गया है और हमारा चिप्स बनकर के तैयार हो गया, तो इसे हम निकाल लेंगे। ये एक बैच का पूरा चिप्स है और इतना चिप्स एक केले से बना है। तो फ्रेंड, दूसरा बैच भी हम इसी तरह से तल लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी बना है। फ्रेंड्स, अब दूसरे केले को मैं डायरेक्ट तेल में ही काट लूँगी। काटते समय हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे ताकि हमारा कटिंग करते समय हाथ न जले, और हमें फ्राई भी लो टू हाई फ्लेम पे ही करना है, तभी हमारा केले का चिप्स क्रिस्पी बनेगा। केले के चिप्स बनाने में टोटल टाइम 6 से 7 मिनट लगेगा, और केले पे भी डिपेंड करता है। अलग अलग तरह के केले तो थोड़ा अलग अलग टाइम भी लगता है। किसी में 10 मिनट भी लग सकता है, किसी में 8 मिनट भी लग सकता है। तो आप इसे बीच बीच में एक निकाल करके चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये अगर क्रिस्पी हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि केले के चिप्स तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, देखिए हमारा केले के चिप्स बन करके तैयार हो गया, और इतना सारा सिर्फ 2 केले से बना है। देखने में बहुत सुंदर है और बहुत ही क्रिस्पी है। इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। इसे आप व्रत के लिए भी बना सकते हैं, और नमक की जगह आप व्रत वाला नमक यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम 8 से 10 काली मिर्च बारीक कूट करके इसमें स्प्रिंकल कर लेंगे, इससे और भी अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप ना चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ये बिल्कुल मेरा बन करके केले के चिप्स तैयार हो गया है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे ये केले के चिप्स पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा, और अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारा जितना भी नया वीडियो आए वो आपको पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।